लिए हैं मेरे सुसर साहब के खलेरे भाई साहब, और ये बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। आज मेरा मन बहुत खुश हुआ है इनसे मिलके, और मैं इनसे अभी कहानी सुनूंगा। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग पर और देखना। ये बैजोई शरीफ में रहती हैं, और मैं आज इनसे कुछ मिलने के लिए आया था, लेकिन नसीब की बात है ये मेरे ससुराल में ही मिल गए। अपने भाई से मिलने आए थे, मेरे सुसर साहब से। इनका अब्दुल सलाम नाम है, ठीक है। तो बने रहिए गाइस, बहुत आए। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल में, तो वीडियो में हमारे बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और एक कहानी सुनवाऊंगा मजेदार। बहुत अच्छी कहानी है जो मेरे ससुर साहब के खलेरे भाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। आज मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। चलिए सुनिए हमारी वीडियो की कहानी। सुनाइए अब्बू जान मजेदार कहानी। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो इन्हें अपनी जवानी सुनाइए अपनी कहानी। तो एक नथु नाम का आदमी अपनी बीवी को जो है बुला के ला रिया साथ। तो उसे रास्ते में जो है मोहर का छत्ता मिल गया पेड़ पे। अच्छा। लगा हुआ, जब पेड़ पे लगा हुआ मिल गया, बोला कि मोहर है। वो उसे तोड़ निकला मोहर को। गीदर आ गया इतने में, बोले भाई क्या कर रहे हो। अच्छा, उसी जगह पे गीदड़ आ गया। बोले भाई क्या कर रहे हो। बोले कि भाई मोहर तोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, गीदड़ ने कहा। हाँ, गीदड़ ने कहा। हाँ ठीक। तो नथू भाई बोले कि वो तोड़ रहा हूँ मैं मोहर। तो गीदड़ बोला भाई हमें खवा दोगे। हाँ खवा देंगे भाई। जब उसने मोहर तोड़ ली तो उसको गीदड़ को चटाया शायद। तो गीदड़ बोला भाई बहुत स्वाद है ये, बहुत मीठा है। हाँ स्वाद लगा उसे। हाँ बहुत मीठा है ये। अच्छा बताया उसने। और जहाँ कहीं मैं बैठता हूँ झाड़ में, वहाँ बहुत बड़ा छत्ता है, हम अपने वहाँ खा लेंगे। और गीदर अपनी जगह पे पहुँचा, और वहाँ ने जो है वहाँ था ततैया का छत्ता, बट ततैया का। ओहो अच्छा। हाँ। अच्छा, जो पीली वाली ततैया होती है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने जो है उसमें मुँह मार दिया गीदड़ भाई ने। गीदड़ भाई ने। अच्छा। अब वो उसका मुंह जो है सारा काट लिया, तो सूज गया सब, तर्रा रहा जहर के मारे। अच्छा, मतलब ततैया उसके मुंह पे भिड़ गई। भिड़ गई वो डट गए। हाँ तर्रा रहा। अच्छा। अब उसने जो है वहाँ जो है घास खड़ी थी वहाँ मुंह रगड़ दिया मेड़ पे, गीदड़ भाई ने। हाँ खेत की मेड़ पे। अच्छा अच्छा। घास खड़ी थी कि ततैयों से बच जाऊंगा, जो छूट जाऊंगी। हाँ आराम पड़ जाएगा। जब घास पे मुंह उसने रगड़ दिया तो वहाँ जो है बीछू बैठा उसमें। अच्छा, उस घास के अंदर, मतलब बीछू। हाँ, बीछू बैठा था। ओहो। उसने डंक मार दिया। ओहो। जब उसने बीछू ने डंक मार दिया तो और ज्यादा तर्रा गया। हाँ फिर तो भाई, तो वो जो है बेचैन हो गया गीदड़ भाई। बेचैन हो गए, मतलब बेचैन हो गया। तो बोला उनने की भाई अब तो मैं जीवनता नहीं, और जीवनता हूँ तो ये चूसनता नहीं, और चूसनता हूँ तो यहाँ बैठनता नहीं, बैठनता हूँ तो यहाँ रगड़नता नहीं, और रगड़नता हूँ तो ये चूसनता खावा नहीं, खावनता नहीं। तो कुल मिला के मतलब ये था कि मतलब गीदड़ की जो है ना आफत आ गई, आफत आ गई, मरने से बचा, ऐसा सेट खा रहा उसने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे अब्बू जान का हौसला बढ़ाने के लिए एक प्यारी सी लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि इनको कहानी आपने जो सुनी, इनकी जुबानी और इनकी कहानी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब।